अज बठिंडा की बंगले वाली धर्मशाल के वक् वक् हिंदू आगुआ की जथेबंदियों की हुई मीटिंग जो इन्हों वालों सोमवार का बंद का ऐलान किया गया उसनू उन्होंने एक बार लगा दी रोक सिर्फ दिता जाएगा मंग पत्र फूके जाएंगे पुतले दस दिए कि जिते सतीसूरी मामले में लेके हिंदू जत्थियों के जथेबंदियों काफ़ी रोस पाया जा रहा है उसनों लेके अज इन्हों वालों बठिंडा की बंगले वाले धर्मशाल मीटिंग हुई जिस काफ़ी एक दूजे से तलखा तलखी भी काफ़ी होंगी रही इस लैके जिते कुछ जथेबंदियों वालों सहमति बनाई गई कि सिर्फ पंजाब सरकार का पुतला फूका जाएगा तो धरना दिता जाएगा लेकिन ये कितना कितने दो फाड़ होंगे जो नज़र आए एक आगू वालों बयान दिता गया कि उन्होंने वालों खालिस्तान से अमृतपाल का पुतला फूका जाएगा तो एक आगू वालों ये मांग की गई कि पंजाब राष्ट्रपति राज लागू किया जाए तो एक आगू वालों गल की गई कि पंजाब सरकार का पुतला फूका जाएगा कितना कितने इसमें लैके उनकी सहमति नहीं बनी इस लैके इतने काफ़ी तलखी भी होंगी इन इतने नज़र आई जिस तस्वीर बठिंडा के मंगले वाली धर्मशाला ने जिते बड़ी गिनती पुलिस फोर्स भी लगाई गई है तो इन काफ़ी तलखी भी होंगी इन नज़र आई इतने जो आप गल करिए एडवोकेट जो संदीप पाठक ने उन्होंने नाम पुलिस की काफ़ी वैसा वसाई भी हुई ये देख लो बंगले वाली धर्मशाला दिन दिखा रहे तस्वीर जिते एडवोकेट संदीप पाठक की पुलिस काफ़ी तलखी हुई है क्योंकि उन्होंने वालों एक बयान दिता गया कि उन्होंने वालों अमृतपाल के खालिस्तान का पुतला फूके जाएगा जिसको लेकर पुलिस के नाम काफ़ी तलखी हुई बहसबाजी भी हुई मरवा के सारा कुछ कर तैयार है मैं एडवोकेट संदीप पाठक जी संस्थापक हिंदू महागठबंधन ते कौमी प्रधान हिंदू लीगल सैल शिवसेना टकसाली अज का फैसला यह होया जी जिवें कि तुहानू पता ही है कल भी साडी बठिंडे इत्थी इसे मंदिर दे विच मीटिंग हुई सीगी जिदे विच हिंदू संगठनों ने सारिया ने एक फैसला लिया सीगा साडे जिहड़े जागरूक हिंदू ने कह लो जिहड़े पंजाब पंजाबी पंजाबीयत दे हिंदू सिख भाईचारे दे हमायती ने उन्होंने एक सांझा फैसला लिया सीगा कि जे साडा वपारी वर्ग है जिहड़ा जिहड़ा साडा हिंदू समाज है सुधीर सूरी जी दी शहीदी तो बाद जे ओह कुछ जरूरी समझूगा जे ओह समझूगा कि पंजाब दे हालात खराब हो रहे ने जे ओह समझूगा कि सच्ची पंजाब जिहड़ा 84 वाले काले दौर वल वध रहा तां जिहे जिहा फैसला लूगा असीं सारे ने उन्हां दा समर्थन करना तां साडे जिहड़े वपारी वीर है अज वपारी इत्थे संगठन साडे आए सीगे साडे जिहड़ियां NGOs आईआं सी साडे धार्मिक संगठन आए सीगे उन्होंने जिहड़ा फैसला लिया उन्होंने फैसला यह लिया कि आपां बाजार बंद करके आपदे ही वपारी वर्ग का आपदा खुद का क्योंकि वपारी वर्ग असीं जाणा असी आपदा ही नुकसान क्यों करना तो कल तो की है जिहड़ा फायर ब्रिगेड ते कल नू बैठना 10:30 तो 12:30 दो घंटे का टाइम है जी कल नू 10:30 तो 12:30 फायर ब्रिगेड चौंक दे विच बैठना उत्थे जिहड़ा इह कीर्तन रूपी जिहड़ा असी साडा धरना प्रदर्शन होऊगा उहदे विच जिहड़े साडे कुछ हिंदू वीर है उन्होंने आपदा पुतला फूकण का प्रोग्राम भी रख्या गया ते जिहड़ा कल नू हैगा उह अमृतपाल का ते खालिस्तान का जिहड़ा पुतला फूकिया जाऊगा उत्थे फायर ब्रिगेड चौंक दे विच अज श्री सुधीर सूरी जी जिन्हां की हत्या की सी उस संबंध दे विच अज बंगले वाली धर्मशाला मंदिर विच हिंदू जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां सारे सब ने एक फैसला किया कि कल नूं सवेरे 10:30 फायर ब्रिगेड चौक ते असीं रोस प्रदर्शन करांगे उत्थे बैठांगे ते सरकार दा पुतला फुकांगे असी सरकार तक आपदी आवाज पहुंचाउण दा यही एक शांति प्रिय है रास्ता कढ़िया है सारा ने सहमत होके इस नाल आपदी सहमति भी दित्ती बंद की गल चली सी पर बंद कल्ले बठिंडे का मसला नहीं है बंद करना कोई
ज्यादा उस लहजे से नहीं कि बठिंडे से कोई ऐसा होया, पर इस सूबे लैवल का जो बड़ा मसला सीगा, असी इन्ने कॉम्पीटेंट नहीं कि असी कल्ले ही बंद के फैसले ले सकीए। जेकर लोगों का मन होया बंद करन दा, अगली बार माघी मीटिंग करना, हजे बंद नहीं किया। तकरीबन सारिया संस्थावां इत्थे व्यापार मंडल हाजिर ने, इंडस्ट्रियल एरिए हाजिर ने, सनातन धर्म हाजिर ने, अग्रवाल सभावां हाजिर ने, राजनीतिक पार्टियां दे आगू हाजिर ने, होर मंदिर कमेटियां हाजिर ने, ब्राह्मण लोग हाजिर ने, ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਠਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਣ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ DGP ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਖੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੌਂਕ 'ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ।